अभी फेसबुक में दिखाता हूँ कि कैसे वीडियो देखें, एक से एक बढ़ के अच्छे अच्छे वीडियो, और फेसबुक में लाइक शेयर कमेंट कैसे करें। अच्छा एक बताओ, आज तक बीजेपी ने ब्राह्मणों को दिया क्या सच बोलना? बदनामी है। पांच लाख इनाम का असली हकदार विकास दुबे को पकड़ाने वाला लखन यादव ही है। ईवा यादव महासभा मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करती है। अन्ना का दुबे जी का पकड़वाया है विकास यादव, ईवा लखन यादव ने 5 लाख इनाम रखे गए हैं। 5 लाख इनाम का असली हकदार विकास दुबे को पकड़ाने वाला लखन यादव ही है। ईवा यादव महासभा मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करती है इनाम की राशि लखन यादव को दी जावे। दस 1,000 रियल सब्सक्राइबर एंड ये कस्तो प्रचार है। यहाँ पे पंडित जी पा जल फेंकली, कल सुबह 6 बजे रिलीज हो रहा ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव जी का बहुत जबरदस्त बोलबम गीत। एनी वन लो प्राइज प्रमोटिंग, जिस तरह से यूपी पुलिस ने विकास दुबे के नाबालिग बेटे और पत्नी से हाथ खड़े करवाए, क्या उसी तरह से चौबे पुलिस एसओ व अन्य पुलिस वाले जो इस कुकृत्य में शामिल हैं? उनके बेटे से भी करवाई, जो भी ये अपराध किया है सिर्फ उसको सजा मिले, बेकसूर को नहीं। जिस तरह यूपी पुलिस ने विकास दुबे के नाबालिग बेटे है, यह हुआ विकास दुबे के बेटे हुआ छोट भरे हुआ यही मेहरुआ हुआ कौन मालूम नहीं, या ऐसे हाथ ऐसे करवाए है गठिया पे खड़ा हुआ बैठा हुआ। उत्तर प्रदेश में केवल ब्राह्मणों को ही टारगेट बनाया जा रहा है कमजोर करने के लिए, और ऐसी ही पेश पुलिस अपराधियों के परिवार वाले के साथ आती रही तो एक समय ऐसा आएगा कि पूरा भारत अपराध के दलदल में समा जाएगा। यह तरीका गलत है किसी भी अपराधी के परिवार वालों के साथ। प्रियंका पाठक लिखें, अगर विकास दुबे की पत्नी और बच्चे इसलिए सजा भुगत रहे हैं कि वो एक अपराधी के पत्नी और बच्चे हैं, फिर तो इस हिसाब से तो यूपी पुलिस वाले को फांसी होनी चाहिए, क्योंकि वो देश रक्षा का वचन लेकर वर्दी पहनकर जो पुलिस दिन रात अपराध किया अपराध को बढ़ावा दिए, ये वही पुलिस वाले के सहपाठी हैं। उत्तर प्रदेश में जो ब्राह्मणों के साथ आए दिन हो रहा है जनता सब देख रही है, हिसाब बराबर करेंगे चुनाव में। राखी गुप्ता, ये क्या है, ये गलत हो रहा है, इस औरत और बच्चे के साथ पुलिस को ये सब कहना शोभा नहीं देता, इन दोनों ने क्या गलत किया? हिम्मत है तो सलमान खान को उठक बैठक करा के दिखा दो, वो तो अपराधी है ना, लेकिन नहीं, इन लोगों का जोर तो असहाय औरत और बच्चे पे ही चलेगा ना। बुलबुल भैया की जय हो, जय परशुराम, ब्राह्मण हमेशा जय नया करता है जी। वजीब सवाल, सरासर गलत है ये नियम के विरोध काम हो रहा है यूपी सरकार और पुलिस द्वारा, जबकि विकास का इनकाउंटर करके कितने खादी और खाकी को बचाया गया है। अपराधी हम खुद से नहीं बनते हैं, बना दिए जाते हैं। बहुत गलत, ऐसी घटनाओं से ही बच्चे भी अपराध की दुनिया में कदम रख देते हैं, मनमानी कर रहे हैं। इसी वजह पुलिस का यह तरीका एक
और विकास दुबे पैदा कर सकता है। बहुत ही गलत हरकत यह पुलिस कर रही है, यह अमानवीय है। ब्रेकिंग न्यूज, विकास दुबे इनकाउंटर में मारा गया। गन कौन डाली से 12 मिनट पहले। बस्ती सूचना लॉकडाउन 10 जुलाई। एक मिनट लिखे हुआ, विकास दुबे इनकाउंटर में मारा गया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि विकास दुबे इनकाउंटर में मारा गया। तो वर्षा कौन दिक्कत है? तो हाँ जो घबरा है ना, यहाँ तो हम वीडियो रिकॉर्ड करते थे आपका झूठ।
है चला चला दियो दियो या बना दी। जा बना दियो तुम्हें जरूरी बे लाइट आवत है घरे हाँ घरे आवत है तो बल्ब का नहीं पर आवत है जाओ बहन मीटर वाला बोर्डवा देख लो लाइटिया बा कि ना देख ले हैं चलाई का भगवान का है भगवान का ठटरी न खून बरसात में भीग जाने दे तुम्हें भीग जाने दे भीगी रात यहाँ पे देखिए कैसे खेला जा रहा है गेम।
इसका कंप्यूटर का यकीन हो गया, अभी मेरा सभी बाकी है। देखिए मेरा भी स्टॉप हो गया और अंदर आ गया। देखिए अभी किसी का एक भी गिट्टी नहीं कटा है। मेरा भी एक इन हो गया। देखिए मैंने इसको पीछा कर लिया, यहाँ पे इसका कट गया, यहाँ पे मेरा यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 4 बढ़ा दिया मैंने, 6 बढ़ा दिया मैंने, काट दिया मैंने, 5 ये कर दिया। ये बढ़ा दिया, ये बढ़ा दिया, ये कर दिया, का तो काट दिया उसने। अभी कंप्यूटर के पास 3 गिट्टी पड़ी है, मेरे पास 1 गिट्टी पड़ी है। मैंने कंप्यूटर की गिट्टी काट दी। मेरी गिट्टी ने बनाया रफ्तार। मेरी सारी गिट्टी एंड होने वाली है। अब मेरा इन करने में दिक्कत हो जाएगा। देखिए अभी का एक का देर तक नहीं आएगा। एक इन हो गया, दो इन हो गया, मैंने इस लूडो को खेल के जीत लिया। यहाँ पे देखिए एडवर्टाइजमेंट लूडो पे चल रहा है, अगर आप चाहते हैं तो कॉल रिसीव करके बात भी कर सकते हैं सर। यहाँ पे देखिए अगर आपको भी खेलना होगा तो आप सांप सीढ़ी भी खेल सकते हो, उसको भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि सांप सीढ़ी कैसे किया जाता है। ये आपका यहाँ से बैक किया जाएगा, यहाँ से आप सांप पे क्लिक कीजिएगा। कंप्यूटर अकेले खेलना होगा तो कंप्यूटर, उसके बाद यहाँ पे एक से माननी होगा।
नीचे मेरा यहाँ पे आ गया। नीचे अगर सांप का खाता है तो नीचे गिर जाएगा। बच गया, अभी 3 सांप बैठे हुए हैं। एक सांप बैठा हुआ है, ये भी आ गया है। देखिए मैं जीत रहा हूँ, अब मेरा सांप खाएगा ही नहीं। मैंने जीत लिया। इसी प्रकार से आप खेलेंगे तो अगर आपसे कंप्यूटर नहीं जीत सकता है। इधर इस साइड को स्किप कीजिए, उसको यहाँ से ये कीजिए। फिलहाल ऐड चलने दीजिएगा, क्योंकि जो भी कंपनी हमको मनोरंजन के लिए देती है उसका ये ऐड ही इनकम है। उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ इंस्टाग्राम। बा वकर भैरा कि हवाई जहाज से जाए, हवाई जहाज से भैरा, हाँ भेजत रहा सरकार, हाँ यह लखनऊ, लेकिन कहीं ना है रोड बाई रोड। सरकार ने फ्लाइट की सुविधा दी थी, लेकिन उसको जान के रोड बाय रोड लाया गया है। किनको? योगी जी का कहना था, मरवाने का प्लान था। योगी मरवाई ना, और क्या कह रहा है कि इन्हें ले जाओ इसी। वहाँ की सरकार पकड़ जान के पकड़वाए दी, भोला यादव पकड़वाया है। उन्हीं के वो थोड़ रही न? लिखा हुआ का गाड़ी दुर्घटना हो गया, हादसा कानपुर टोल प्लाजा से 25 किलोमीटर दूर हुआ। बताया जा रहा है कि जो गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई है उसमें विकास दुबे भी सवार था। मौका यह वारदात पर मौजूद मीडिया से बात करते हुए एक एसटीएफ अफसर ने कहा कि इस गाड़ी में विकास दुबे सवार था। हालांकि पुलिसकर्मी अभी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। फिलहाल घायलों को नजदीकी के अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर पुलिस के आला अफसर पहुंच गए। हादसा को लेकर यूपी एसटीएफ के अफसर अभी कुछ बोलने से बच रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि तेज बारिश और गाड़ी की रफ्तार तेज होने की
जैसे गाड़ी पलट गई है। मीडिया की नज़र विकास दुबे को बचाने के लिए गाड़ी की रफ्तार काफ़ी तेज थी। फिलहाल क्राइम स्पॉट पर किसी को जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। क्या है पूरी घटना? कानपुर गोलीकांड के मास्टरमाइंड विकास दुबे को उत्तर प्रदेश एसटीएफ की टीम जिस गाड़ी में कानपुर ला रही थी उसका एक्सीडेंट हो गया। शुक्रवार सुबह उज्जैन से कानपुर लाते वक्त हाईवे पर एसटीएफ के काफिले की एक गाड़ी पलट गई। जिस जगह पर एक्सीडेंट हुआ वहां मौजूद लोगों ने कहा कि गाड़ी पलटने के बाद उन्होंने गोलियों की आवाज़ सुनी थी लेकिन तुरंत वहां से लोग चले गए। अब सूत्रों की माने तो जब गाड़ी पलट गई तो विकास दुबे ने वहां से भागने की कोशिश की। विकास दुबे एसटीएफ के हथियार छीन कर भागने की कोशिश कर रहा था लेकिन इसी बीच एसटीएफ और विकास दुबे के बीच मुठभेड़ हुई। शुक्रवार सुबह करीब 6:30 बजे इस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। स्कॉर्पियो गाड़ी में एसटीएफ के कुछ अधिकारी बैठे हुए थे। इसमें विकास दुबे के होने की खबर है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं है लेकिन स्पष्ट पर मौजूद एक अधिकारी ने कैमरे पर कहा कि विकास दुबे को भी अस्पताल ले जाया गया है। अभी गाड़ी में जो लोग सवार थे उन्हें कानपुर के लाला लाजपत राय अस्पताल में ले जाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि यह अस्पताल घटना स्थल से करीब 20 मिनट की दूरी पर है। आपको बता दें कि जिस वक्त ये गाड़ी पलटी थी उस वक्त कानपुर में तेज बारिश हो रही थी। एसटीएफ की गाड़ी काफ़ी तेज रफ्तार से दौड़ रही थी क्योंकि पीछे लगातार मीडिया की गाड़ी थी। इसी तेज रफ्तार के दौरान गाड़ी पलट गई। कानपुर मारे हैं कि नहीं भी बहन मारे का मारे दिए बातें हैं। दिखाओ हम कुछ कहते हैं बादी में जाओ तो जब हुआ था तब कुछ चीजें बादी बादी करो था।
इतिहास बन गए बा। पूरा विश्व जान गए बा और नाम ओकर इतिहास में लिखी उठी। यूपी से हम ना रुके। बतिया सही बा। कहा थे नोटा पे दे दिया लेकिन के हुक दिया बनाया। नोटा पे दे दिया वट लेकिन के हुक दिया बनाया। अन्याय भय जितना भी भय अन्याय भय। जो वकल लड़का बा नाबालिक बा हाँ। ओके मेहरारू वकल लड़का परेशान कथुई कौन बात भय। अरे अभी यह कहूँ यह कि अनेक राजन विकास दुबे मारी गए रहे। वह कहाँ ले पाई हैं। चीन से भर समझौता भाई। चीन से भर समझौता भाई। मैं इतना सिक्योरिटी रहा था और सिक्योरिटी के पर्ची और चिकटा के मंदिर में जा तो वक अगर भगही करा तो भाग लिया था।
का
पीपी एंटरटेनमेंट एंड मीडिया कम्युनिटी हेलो 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 पीपी एंटरटेनमेंट एंड कम्युनिटी म्यूजिक ग्रुप्स एंड सब्सक्राइबर एंड टेल मी 144 इंटू 312 उसके बाद में 180 इंटू 3090 60% 37% होना तो 28% हो ही गया है।
का है ये बा? हाँ कैसे हुआ है ये बात? तुम चलो मैं खाऊं। हेलो 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 हेलो, वीडियो द एंड बराबर 98% हो गया है। इसकी क्वालिटी हाई थी, फिलहाल इसकी क्वालिटी डाउन कर दी गई है क्योंकि वीडियो काफ़ी क्वालिटी का हो जाएगा। तो 45 MB हो चुका है फिलहाल, 45 MB बराबर है, ये 52 MB।